की, डीसी साहब की, किसी कोई आपका केस है, किसी दिन का कुछ भी है, वो मैं आपका इंशाल्लाह जल्द से जल्द कराऊंगी, वो भी अपने नोट करवा के जाए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और क्या क्या मेरी बहना जोर से लगाओ, खाना नहीं खा, भारतीय जनता पार्टी, और मैं मोदी जी, अमित शाह जी, किसी सरकार ने आपको दिया? नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद हमारी बहनों को जो मकान के केस मिले हैं, वो किसी सरकार ने आज तक दिया? मोदी पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी आवाज़ की आपकी वजह से मेरी आवाज़ हिंदुस्तान पूरे में जाएगी, तो तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये मीटिंग हमने रखी थी महिला मोर्चा की, क्योंकि आज तक हमारी लेडीज़ कोई भी पार नहीं आती, आपको पता है यहाँ पे काफ़ी पर्दे में रहती हैं और कोई अपने मसले मसाइल नहीं बताती है। तो इन बहनों के आगे जाके, इनके गांव-गांव में हर जगह जाके इन बहनों को मैंने बताया कि आपकी कोई भी दुख सुख प्रॉब्लम है, वो सुनने के लिए मेरे को आगे लेके आई थी यहाँ पर, यहाँ मीटिंग हुई आज। ये था कोई किसी की पेंशन का, किसी के गैस चूल्हे का, किसी के मतलब जो भी अपने हमारे मोदी जी की स्कीमों का जो भी था, उसके लिए हमने इनको बुलाया था कि आपको ये चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली हैं। तो ये बहनें कोई कहती है मिली है, कोई नहीं कहती है, तो उस वजह से हमने इनकी आज मीटिंग रखी थी कि मेरे साथ दुख अपना साझा करेंगे, तो मैं इनकी आवाज़ आगे तक लेके जाऊँगी। बिल्कुल होएगी, स्ट्रॉन्ग है हमारी बीजेपी, कल भी स्ट्रॉन्ग थी और आज भी स्ट्रॉन्ग थी। एक वक्त वो था कि बीजेपी का यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं आता था और बीजेपी का कोई नाम नहीं लेता था, कोई मतलब छुप के बैठते थे, अगर बीजेपी का बोलते थे बंदा यहाँ से जा रहा तो वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते को चले जाता था। और जब से मैं अपने यहाँ इलाके में आई हूँ, बहनों के पास गाँव-गाँव में हर जगह गई हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे साथ शाना बशाना सब बहने भाई सब खड़े, तो मैं उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतनी अच्छी तरह मुझे यहाँ तक, बहुत दूर दूर से आई थी, जहाँ गाड़ी नहीं है, इनके घर तक सड़कें नहीं पहुँची हुई, लाइट नहीं है, इनके बच्चों की प्रॉब्लम है, कोई बेरोज़गारी है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, तो उस वजह से भी पहले यहाँ तक मेरे साथ पहुँची, अपनी दुख साझा कर किया इन्होंने मेरे साथ, और मैंने भी अच्छी तरह इनका दुख सुना, और मैं भी आगे तक अपने सरकार तक इनकी बातें पहुँचाऊँगी और इनको जल्द से जल्द इनकी जो मसले मसाले हैं वो हल करेंगे। लोग बहुत खुश हैं, आज आपने देखा अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा भी लगा, आप लोगों ने देखा, आज तक कोई जेंट्स नहीं नारा लगाता था, तो आज मेरी बहनों महलों ने लगाया यहाँ पे नारा, ये भी तो आप सोचो। ये तो आपने देखा महिला, कम से कम 200-250 से आसपास महिला थी, आप मीडिया वाले आप अंदर थे, आपने देखा कितनी महिलाएं थी, इन सब का तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी अपने मोदी जी का तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये स्कीमें निकाली और गरीब आवाम के लिए।